ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, यानी इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, कहाँ पर आपको सकारात्मक चीजें देखने के लिए मिलेंगी और जीवन के किस मोर्चे पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके राशि में दशा महादशा शुभ ग्रहों की चल रही है, तो इस राशिफल में जो हम आपको सकारात्मक चीजें बताएंगे वह आपके जीवन में 100% लागू होते हुए दिखाई देंगे और दशा महादशा के अनुसार परिणामों में अंतर देखने के लिए मिलेगा। यदि क्रूर ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, पापी ग्रहों की दशा महादशा चल रही है और वह पीड़ित घर में आपके राशि में विराजमान है जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिसको करके आप बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। इस राशिफल के दौरान हम आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे। उपाय के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक फॉर्मूला बताएंगे जिस पर यदि आप कार्यरत रहेंगे तो बेहतर स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता। कर्मरत व्यक्ति को कर्म की राह प्रदान करता है और अच्छे कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। यदि हम अपने भविष्य की घटनाओं को पूर्व में ही जान जाएंगे तो हम अलर्ट होकर बेहतर स्थितियों का निर्माण वर्तमान और भविष्य दोनों में कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ मेजर ग्रह हैं जो आपके राशि में वर्ष भर उसी भाव में मौजूद रहेंगे। राहु 11th में यानी लाभ भाव में, केतु 5th भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल 2021 तक आपके राशि के 7th भाव में बना हुआ रहेगा। 5 अप्रैल को जब कुंभ राशि में गुरु प्रवेश करेंगे तो आपके राशि के आयु भाव में पहुंच जाएंगे। सूर्य और शुक्र फरवरी की शुरुआत में आपके राशि के 7th में ही मौजूद हैं, यानी 7th भाव में 4 ग्रहों की युति बनने जा रही है, तो इसका परिणाम कैसा निकलेगा हम आपको जानकारी देंगे। मंगल आपके राशि के 10th भाव में मौजूद हैं। कर्म भाव में मंगल के मौजूद होने से कैसी स्थितियां बनेंगी, तो कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो फरवरी मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही सुखद और अनुकूल रहने वाला है। इस समयावधि में चूंकि शुभ ग्रहों का कुछ इस प्रकार आपके राशि में प्रभाव है कि आप तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। गोचर के अनुसार आपका वाणी के द्वारा बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप करते हुए नजर आने वाले हैं। जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें जीवन में प्रमोशन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको यहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ नकारात्मक स्थितियों का निर्माण नहीं करना है, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति आप जीवन में उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे, तो आप सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर जरूर जीवन में चलें। व्यापारी वर्ग जो जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का 7th भाव में मौजूद होने से व्यापार में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। आमदनी के नए सोर्स प्राप्त होंगे, व्यापार में मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में ऐसे जातक जो नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मन में योजना बना रहे हैं उनके लिए यह दोनों महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। फरवरी और मार्च दोनों महीने आपके व्यापार में विस्तार करेंगे और जो जातक नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी यह महीने बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। इस समयावधि में अगर बात की जाए आपके राशि में स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, तो देखिए, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है और ऐसा भी कहा गया है कि जैसा हमारा अन्न होता है वैसा मन होता है और जैसा मन होता है वैसा स्वास्थ्य होता है। तो देखिए, आपके राशि में ग्रहों का तो शुभ प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि आपके राशि में जो सिक्स हाउस है उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टियां पूर्ण रूपेण जा रही है। ऐसे में आपका जो स्वास्थ्य है पूर्ण रूपेण ठीक रहने वाला है, लेकिन यदि आप पूर्ण रूपेण सतर्क रहेंगे तो स्वास्थ्य आपका फिट रहेगा। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करेंगे, प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, टहलने के लिए जाएंगे तो स्वास्थ्य आपका फिट रहेगा। यदि आप भोज्य पदार्थों में तामसी चीजों का सेवन करेंगे, मांस है, शराब है, धूम्रपान, इन विषयों का यदि आप सेवन करेंगे तो तनाव की स्थिति बार बार जीवन में उत्पन्न होगी, मन में जड़ता उत्पन्न होगी। साथ में
इस समयावधि में मांसाहार भोजन करने से मन में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, कई प्रकार की असंभावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। शारीरिक रूप से यदि परेशानी उत्पन्न होगी तो मानसिक रूप से भी परेशानी उत्पन्न होगी और इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, आपके परिवार में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है, भोज्य पदार्थों में घर के बने भोज्य पदार्थों पर भी आप फोकस्ड रहें, शाकाहार पर विशेष रूप से ध्यान देकर जीवन में जरूर चलें तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी। वैसे ग्रहों के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते समय आपको बेहद रूप से सतर्कता बरत कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो प्रेम जीवन में केतु आपके राशि में पूरे वर्ष पंचम में मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो कहा सुने की संभावना देखने के लिए मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके राशि के पंचम भाव में कुछ इस प्रकार जा रहा है जिससे यहाँ पर आपके जीवन में प्रेम जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कहा सुनी पूरे वर्ष तक चलती हुई रहेगी। शिक्षा भी इसी भाव से देखा हुआ जाता है। तो जो जातक परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एकाग्रता उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फरवरी के महीने में फिफ्थ हाउस के स्वामी आपकी राशि के दशम में मौजूद हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टियां आपके राशि के फिफ्थ हाउस में जा रही हैं, जिससे यहाँ पर आप बेहतर स्थितियों का निर्माण परीक्षा प्रतियोगिता में करते हुए नजर आएंगे। आपको अपनी संगति पर कार्यरत रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, मेहनत पर पूर्ण रूप में फोकस्ड होकर चलने की आवश्यकता रहे यदि आप रहेगी करेंगे तो बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में बनेगी। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो फरवरी के महीने में चार ग्रहों की मौजूदगी होने से यहाँ पर वैवाहिक जीवन गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण काफी आपका सुदृढ़ रहेगा। शनिदेव के मौजूद होने से यहाँ पर अगर कहा जाए तो वाद विवाद की भी संभावनाएं बार बार उत्पन्न होती हुई वैवाहिक जीवन में रहेंगी। कहा सुने की संभावना, व्यर्थ में डाउट उत्पन्न होता हुआ रहेगा। यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है सप्तम भाव में, जिससे प्रेम जीवन में नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको सलाह दी जाती है कि फरवरी के महीने में आप संभावनाओं को बेहतर बनाकर चलें। हालांकि मार्च का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही उत्तम है, दाम्पत्य सुख आपका काफी जीवन में बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से के पूर्व आपको सोच विचार कर ही जीवन में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक होते हैं भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में बेहतर स्थितियां लेकर आया है या कौन सा व्यक्ति सही राय दे रहा है, यह बात आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों को लापरवाही पूर्वक कोई कार्य करने से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर समय प्रबंधन की अहमियत को आप नहीं देते हैं। व्यर्थ के कार्यों में मौज मस्ती में आप संलग्न होने के कारण अपने कार्यों को आप डिले करते रहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें या प्रारंभ किए हुए हैं तो आपको जितना कार्य जितना वर्क मिला हुआ है उसको निपटार कर ही जीवन में आप आगे बढ़ें। तीसरी, आपको बातों पर ध्यान देकर यह चलने की आवश्यकता होगी। क्रोध की स्थिति को आप बार बार जीवन में उत्पन्न करके आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि कर्क राशि को जब क्रोध आता है तो ये अपना आपा खो देते हैं। इससे रिश्ते में परेशानियों का सामना, परिवार में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। चंद्रमा यदि आपके राशि में पीड़ित हो तो आप चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि कर्क राशि के जातक भावुक होते हैं, कल्पनाशील भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप विचारों में खोए हुए रहते हैं। तो पीड़ित चंद्रमा के कारण यह परिणाम देखने के लिए आपके जीवन में मिलता है। तो यदि आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा हो, मनोबल डाउन हो रहा हो, तो आप चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय आप जरूर कर सकते हैं। अभी हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिसको करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं एक फार्मूला जिसको आप इन्वॉल्व करके बेहतर स्थितियां बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, संघर्ष की राह में कहा गया है कि जिस प्रकार पतझड़ पत्तों के झड़ने के बिना पेड़ पर नए पत्तों का आगमन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानियों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं।
हमें जीवन में निरंतर संघर्षरत रहने के पश्चात ही बड़ी उपलब्धि, बड़ी संभावनाएं हासिल होंगी, यह सत्य है। और कर्म दक्षता के बलबूते पर भाग्य को बदलना भी बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। चार चीजों का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात है, आपको जीवन में धैर्य, अनुशासन, पेशेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि यदि कोई कार्य आप प्रारंभ करेंगे और उसके परिणाम की तुरंत अपेक्षा आप करेंगे तो जीवन में बेहतर स्थितियां आपके नहीं बनेंगी। इस प्रकार किसान बीज रोपण करने के उपरांत कुछ दिनों, जब तक फसल का आगमन नहीं हो जाता तब तक धैर्य बनाकर चलता है। 1 माह से आप सीख ले सकते हैं कि 9 माह तक पेशेंस बनाना पड़ता है, तब माँ बन पाती हैं। तो जीवन में जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें तो उसमें अनुशासन बहुत जरूरी है, अपने आप में संयम बहुत जरूरी है, धैर्य बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, निरंतर कॉन्टिन्यूअस लगे रहना बहुत ज्यादा जीवन में जरूरी है। दूसरा होता है हमारा एटीट्यूड, नजरिया। अगर गंदा है तो जीवन में हमें असफलता ही प्राप्त होगी, इसलिए जब भी आप कोई कार्य को प्रारंभ करें तो आप नकारात्मक बातों से भी आप सकारात्मक चीजें निकालना चाहिए, क्योंकि आजकल वातावरण में वैसे भी नकारात्मक चीजें ज्यादा विद्यमान है। यहाँ पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर आप देखिए, न्यूज़पेपर में जो नकारात्मक खबरें होती है वह हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाती हैं, और जो सकारात्मक खबर होती है उसको हमें लेने में कुछ समय लगता है, ये चीजें होती है। तो हमारा रुझान ऑटोमेटिक नकारात्मक चीजों की ओर होता है। तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए सकारात्मक बातों पर फोकस्ड होकर चलने की आवश्यकता होगी। ये चीजें केवल कैरियर और व्यवसाय में ही नहीं, ये लोक व्यवहार की चीजें हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होंगी जो अभी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। चाहे आपका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे जीवन का कोई भी हिस्सा हो, हमेशा जीवन में तीसरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, टीचेबल रहना चाहिए, सीखते हुए रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो महान लोग थे वो हमेशा जीवन में निरंतर अपने आप को अपडेट कर रहे थे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस्ड थे। अब्दुल कलाम अपने जीवन में, या किसी भी आप महापुरुष को देख सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करके चौतरफा विकास किया, राजीव दीक्षित जी हैं। उनके जीवन में बेहतर संभावनाएं तभी उत्पन्न हुई जब उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया। तो आपको ये सबसे बड़ी सलाह दी जाती है कि माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता, अपने व्यक्तिगत विकास पर, अपने जीवन में जितना ज्यादा गुणों को आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे उतना बड़ी संभावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी। फिर ग्रहों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। यदि अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव होगा तो आपके अंदर के गुणों के द्वारा वह भी आपके जीवन में कम प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि धार्मिक पुस्तकों, लोक व्यवहार की पुस्तकों को प्रत्येक दिन पढ़ना बहुत ही शुभ रहने वाला है। चाणक्य संहिता, भगवत गीता, ऐसी पुस्तकों को आप पढ़ें जिससे आपके मन में सकारात्मक चीजें विकसित हो। चौथी सबसे खास बात है ईमानदारी। जी हाँ, ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ईमानदार होकर जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं उत्पन्न होंगी। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना करें, और ईमानदारी पूर्वक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से अर्जित की हुई सफलता जीवन में बरकरार होती है, हमेशा रहती है। और यदि हम शॉर्टकट अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत कार्यों के द्वारा किसी चीज में सफल होते हैं तो वो कुछ समय के पश्चात वो चीजें खत्म हो जाती हैं जीवन में। तो ये फार्मूला जो है वो पाथ है, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबल और हॉनेस्टी, ये चार चीजें हैं। तो जीवन में सफल होने के रास्ते में ये पाथ नाम का फार्मूला इन्वॉल्व करके जीवन में जरूर चलना चाहिए। धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए कुछ उपाय की बात की जाए तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। वर्ष में एक बार या घर में रुद्राभिषेक आप जरूर कराएं। स्वास्थ्य में परेशानियां देखने के लिए मिल रही है, इसलिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत आप एक पुखराज रत्न जरूर धारण कर लें, क्योंकि इससे मन में काफी बेहतर स्थितियां आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगी। गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है।
क्योंकि शनिदेव लेबर वर्ग गरीब व्यक्तियों के काफी सहायक होते हैं। इनसे बेहतर स्थिति आपके जीवन में बनेगी, एक मन में संतोष की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। गाय की सेवा करना, गौ पालन करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आप जीवन में ब्रह्मचर्य पालन जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।